हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं मुनिराज सिंह राठौर बुक की मेट्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पर है। तो यह पुणे में है, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। मेट्रोलॉजी जो वर्ड है, यह किस भाषा का शब्द है? यह एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है, एक मेटेरो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। एंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मेट्रो? द मेट्रो वर्ड इज़ रिलेटेड टू मीटियोर्स, एंड मीटियोर्स का मतलब होता है हाई इन द स्काई, आसमान के अंदर बहुत ऊंची चीज़ को हम मीटियोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बुक है बुक ऑफ साइंस, जो कि वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड है, यह किसने लिखी है? यह थियोफ्रेस्टस ने लिखी है। नेक्स्ट है एल्बेडो क्या चीज़ है? एल्बेडो कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट रेज का रेडिएशन जो है ये कहलाता है एल्बिडो। जब उसमें किसी भी क्वालिटी का कोई चेंज नहीं होता तो उसको एल्बिडो कहा जाता है। बात की जाए सोलर रेडिएशंस किससे मेजर किए जाते हैं, तो वह है पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर के थ्रू सोलर रेडिएशंस को मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, तो वह है बैरोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है, तो यह साइक्रोमीटर से नापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है, तो वह साइक्रोमीटर से नापी जाती है। रेनफॉल को हम किससे नापते हैं, रेन गोज से नापते हैं। विंड स्पीड को किससे नापा जाता है, एनीमोमीटर से नापा जाता है। वहीं बात की जाए विंड डायरेक्शन की अगर बात की जाए, तो यह विंड वेन के थ्रू इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विंड आज तक कहाँ रिकॉर्ड की गई है, तो वह यूएसए में रिकॉर्ड की गई है, जो कि लगभग 371 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेनफॉल अगर हमें डेवलप करनी है तो उसके लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा, वह है सिल्वर आयोडाइड। जो सिल्वर आयोडाइड है, जिसको हम AgI भी बोलते हैं, यह एक केमिकल है जो कि आर्टिफिशियल रेन बनाने में मदद करता है। अगर बात की जाए NaCl की, तो यह वार्म सीडिंग में आर्टिफिशियल रेन को बनाता है, जबकि जो सिल्वर आयोडाइड है वह आर्टिफिशियल रेनफॉल बनाता है इन द एस्पेक्ट ऑफ कोल्ड सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट इज ड्यू टू डिस्पर्जन। आसमान का नीला कलर और सूरज छिपने के दौरान रेड कलर किस वजह से दिखाई देता है, डिस्पर्जन की वजह से दिखाई देता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, यह हम किसके थ्रू नापते हैं, यह हम आइंस्टाइन यूनिट्स के थ्रू नापते हैं। PAR की जो वेवलेंथ होती है वह कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बेडो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट होता है ट्रांसपिरेशन के केस में, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा एल्बिडो होगा। उसके बाद है कि जो ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक फिनोमिनोन है, जैसे कि फोग का बनना, ड्यू का बनना, जिसके अंदर मिनिमम कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इट इज़ अबाउट 75%। इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर होगी तो फोग, ड्यू ये सब बन जाएंगे। अगर बात की जाए अर्थ के एल्बिडो की परसेंटेज की, तो है कितना है, 35% अर्थ का एल्बिडो परसेंटेज माना जाता है। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि कितनी हाइट पर हम सैटेलाइट्स को रखते हैं। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं अर्थ से, वो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रखी जाती हैं, और इतनी ही ऊंचाई पर उनको ऑपरेट किया जाता है। अगर बात की जाए एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में फादर कौन है, तो वह हैं LA रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये कहाँ पर है? पहली बात तो यह है न्यू दिल्ली में। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का जो सेंटर है, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। और दूसरा, दिस सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है वातावरण के अंदर कितनी कंसनट्रेशन में CO2 मौजूद होती है, इट इज़ अबाउट 0.03%। एंड सबसे ज़्यादा कौन सी मौजूद होती है, 78% मौजूद होती है नाइट्रोजन, उसके बाद 21% मौजूद होती है ऑक्सीजन, या स्पेसिफिकली भी कहूँ तो 20.95%
जो मौजूद होती है वह ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगली बात की जाए कि इनविजिबल रेडिएंट एनर्जी कौन सी होती है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसके अंदर लॉन्गर वेवलेंथ होती है और विजिबल लाइट से ये शो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होते हैं, ये वो रेडिएशन होते हैं जो कैरी करते हैं एनएफ एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सके। बात की जाए हाइड्रोग्राफ की, तो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ग्राफ जो कि उसके मेजरमेंट को लेता है, तो हाइड्रोग्राफ एक साइंस है पानी के मेजरमेंट की अर्थ के अंदर जो कि उसके मेजरमेंट्स को लेकर रखता है। नेक्स्ट बात की जाए इवेपोट्रांसपिरेशन की, तो इवेपोट्रांसपिरेशन इज़ द प्लांट टोटल वाटर यूज, इट इंक्लूड्स द एक्चुअल वाटर लॉस फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन एज वेल एज द इवेपोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड फ्रॉम द सॉइल सराउंडिंग ऑफ प्लांट। सिंपल सी बात है, इवेपोट्रांसपिरेशन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज़ इवेपोरेशन, जब नॉर्मल वाटर बॉडीज से वाटर अपर की एयर एटमॉस्फेयर में जाता है वेपर की फॉर्म में, यह इवेपोरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो कि प्लांट के थ्रू वाटर का लॉस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो ट्रांसपिरेशन है वह क्रॉप्स दे रखी हैं उनके अंदर इतना इतना लगभग पाया जाता है, जो कि अल्फा अल्फा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना 79 से लेके 91 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि वह पहली कौन सी वेदर सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई थी, तो उसका नाम है टीरोस, और टीरोस यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च की थी। कौन से ईयर में, 1960 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यह पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसने स्पेस से क्लाउड्स की इमेज भेजी थी और यह दिखाया था कि सूरज के चारों ओर जो है क्लाउड का स्पेस मूव कर रहा है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट वेदर फोरकास्ट मेड, पहली वेदर फोरकास्ट कब करी गई थी, तो वह 1869 यूएसए के अंतर्गत की गई थी। बैरोग्राफ क्या चीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा ग्राफ जो कि बार को नापता है, मतलब एयर प्रेशर को नापता है, कोई भी चेंज जो कि एयर प्रेशर में हो रहा है उसको नापने वाला कौन होता है, बैरोग्राफ होता है। आइस बो क्या चीज़ है, आइस बो कह लीजिए या फिर रेनबो कह लीजिए। ब्लीजार्ड, ब्लीजार्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है जो कि बर्फ़ के साथ जुड़ जाती है, मतलब विंड प्लस स्नो ये कहलाता है ब्लीजार्ड, और ये बहुत स्पीड और इंटेंसिटी की होती है। दैट इज़ वाई ब्लीजार्ड इज़ कंसिडर्ड एज द डीप ड्रिफ्ट दैट कैन ब्यूरी व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स, यह इतनी ज़्यादा तेज स्नोफॉल होती है कि इसके अंतर्गत व्हीकल और बिल्डिंग जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें तक दब जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हु फर्स्ट क्लासिफाइड क्लाउड, क्लाउड को सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया, तो वह थे मेट्रोलॉजिस्ट ल्यूक होवार्ड, जिन्होंने 1803 में क्लाउड्स को क्लासिफाई किया। कितने तरीके के क्लाउड होते हैं, लगभग 10 तरीके के क्लाउड होते हैं जो कि ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट है साइरस क्लाउड, साइरस क्लाउड कौन से क्लाउड होते हैं जो कि लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और यह जो है फ्रोजन होते हैं, इनके अंदर बर्फ़ जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, फेदरी विस्पी अपीयरेंस, और कभी कभी मैट्स टेल्स भी इनको कहा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ साइरस क्लाउड विद ओकेजनली फॉर्म अ कंप्लीट लेयर ऑफ वाइट क्लाउड, ये वाइट क्लाउड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स होते हैं जो डिफरेंट हाइट्स पर मौजूद होते हैं एंड ये मिडल में मिलते हैं, इनकी जो अपीरेंस होती है वो बहुत फ्लफ़ी होती है, और फ्लफ़ी होने के साथ साथ ये जो इनका कलर होता है वह ग्रे कलर का होता है, और ये कभी कभी बिल्कुल गोभी के आकार जैसे भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ओल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ये स्मॉल होते हैं और इनका कलर ग्रे से लेकर वाइट तक का हो सकता है, और यह हॉट वेदर में भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जो कि लोएस्ट लेवल पर मिलते हैं एंड इनकी जो लेयर बनती रहती है पूरे आसमान के अंदर, ये जो क्लाउड हैं ये हल्की बारिश करते हैं, ड्रिजल करते हैं हिली एरियाज़ के अंदर, और वेट फोग और मिस्ट ग्राउंड पर दिखाई देते हैं। ऑल्टो स्ट्रेटस की बात की जाए कि थिन वाटरी शीट जो कि ग्रे क्लाउड की दिखाई देती है, यह ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड की दिखाई देती है, और ये जनरली बारिश भी करवा देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, यह वे क्लाउड होते हैं जो कि क्यूमुलस क्लाउड की तरह एक शीट बना के रखते हैं एंड ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्लाउड हैं जो कि
मिलते हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलो निम्बस। नाउ व्हाट आर निम्बस क्लाउड? निम्बस क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो कि बारिश करवाते हैं। ये हैवी स्टॉर्म्स, रेन और थंडर को लेकर आते हैं, और ये कभी कभी एनविल क्लाउड उनको कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचाई पर मिलते हैं। नेक्स्ट है सीरो क्यूमुलस। ये साइरस प्लस क्यूमुलस का मिक्सचर होते हैं और इनके अंदर आइसी पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि कभी कभार इस चीज़ का अंदेशा देते हैं कि वेदर बहुत ही अनसेटल्ड है, वेदर ठीक नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए निम्बो स्ट्रेटस के बारे में, तो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो बहुत थिक होते हैं और ग्रे होते हैं। ये बारिश और स्नो दोनों लेकर आते हैं और कभी कभार ये जो है सूरज को भी पूरी तरीके से ढक लेते हैं।